मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद की रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में भाग लिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। इस समारोह में संतों और परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत आदरणीय भैया जोशी के साथ इस दिव्य और अलौकिक आयोजन में सम्मानित रहे। चौहान ने इस अवसर पर सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इंडिया न्यूज 28 के लिए दीपक वर्धी की रिपोर्ट। भारत की संत परंपरा, उसका प्रवाह नित्य निरंतर प्रवाहमान है और यहां का दृश्य देख के मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भी भरा है, भावों से भी भरा है। यहां द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की का जो हमारा ऋषियों की उद्घोषणा थी वो चरितार्थ हो रही है। एक साथ सब सचमुच में अद्भुत है। और ये जो स्वामी भगवान रामानुजाचार्य जी की स्टैचू हम कह रहे हैं भव्य प्रतिमा, मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति पंथ ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान है, उसी के पुत्र हैं हम सब। लेकिन जब राजनीति का विचार कर देते हैं, ये सामान्य सामान्य में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये पिछड़ा ये अति पिछड़ा, ये दलित ये महादलित, पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन यहां आके मन में यही भाव प्रबल होता है, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए, सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए।